हेलो सर जी। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हेलो। काफी लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तो मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के आज इस जूम वेबिनार को दिया है। और मैं ऊपर वाले से यही गुजारिश करूंगा कि अगर ऊपर वाला मेरी किसी भी बात से अगर खुश हो, तो मैं चाहता हूँ जितने लोग मेरे साथ इस समय स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, उनके जो भी सपने हैं, वो सपने इस बिजनेस के माध्यम से, इस इंडस्ट्री के माध्यम से, वो सारे सपने उनके पूरे हों। क्योंकि इंसान कहीं ना कहीं अपनी चीजों को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ योगदान करता रहता है। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि यहाँ पे एक नॉर्मल तरीके से मेरी जिंदगी कैसे बदली है, कि आज मैं पहले क्या था, कि इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं क्या करता था और मैं कैसा था। तो आज बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे बीच में हमारे साथ जो कि मेरे बारे हेलो। में नहीं जानते होंगे कि सूरज सर क्या थे, क्या करते थे, कहाँ से आए हैं। तो आज उन सभी लोगों को मेरे बारे में पता चलेगा कि सूर्य सर आखिर है क्या, और कैसे करके उन्होंने यहाँ तक अपनी ये जगह बनाई है, और कैसे काम करके उन्होंने ये लेवल को हासिल किया है। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में आने से पहले मेरा कपड़े का काम था। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं पटरी लगाता था, और पटरी लगाने के साथ साथ मैंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया। और इस बिजनेस को करते करते आज अगर आप देखोगे तो मैं कहाँ पे था, फर्क इस बात से नहीं पड़ता आप आए कहाँ से हो, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपको जाना कहाँ है। तो मायने ही नहीं रखता आज आप क्या कर रहे हो, क्योंकि हर इंसान अपने घर की जरूरत को पूरा करने के लिए, अपनी चीजों को पूरा करने के लिए, अपने परिवार को खुशियां देने के लिए कोई ना कोई काम जरूर कर रहा होगा। और वो काम कैसा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो इस समय, इस बात से फर्क पड़ता है कि आपको जाना कहाँ है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जैसा कि देख रहे हो, मेरे को बहुत सारे लोग यहाँ पे जानते हैं कि सूरज सर क्या काम करते थे, और मैं जिस भी काम को करता था पूरी लगन के साथ करता था, पूरी मेहनत के साथ करता था। और आप आज देख रहे हो कि इस तरीके से मेरा एक समय पे ये काम था, लेकिन आज मैं प्रॉपर तरीके से इस काम को मतलब बंद कर चुका हूँ, और एज ए करियर मान के मैं कीवा इंडस्ट्री को अपना पूरा टाइम यहाँ पे देता हूँ। तो दोस्तों, जब इस बिजनेस के अंदर मैं आया, जो मेरे ग्रेट अपलाइन मिले, मेरे को उन्होंने बताया कि सूरज सर किसी भी काम को करने के लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ेगा, और जब आप टाइम निकालोगे तो आपको हो सकता है थोड़ी बहुत तकलीफ भी और थोड़ा बहुत नुकसान भी हो। तो मैं आपको बताऊं, जब मैं इस काम को करता था तो एक एक दिन के अंदर जो मेरी कमाई थी 5-5, 6-6 हजार, यहाँ तक कि मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ एक एक दिन के अंदर मैं 15-15 हजार रुपये भी कमाता था। लेकिन उस एक एक दिन को मैं ऐसे कम करते चला गया कि इस इंडस्ट्री के बारे में जब मेरे को पता चला कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, और इस इंडस्ट्री के अंदर काम करके मैं अपने सपनों को इससे और बड़ा पूरा कर सकता हूँ, और वो सारी चीजें मेरे को नजर आई, तो एक एक करके इन सारी चीजों को मैं बंद करता चला गया। और आज अगर मैं लाइफ की बात करूँ इस इंडस्ट्री के माध्यम से, अगर मैं आपको, तो मेरे पास अचीवमेंट क्या है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आज इस इंडस्ट्री में आने के बाद जो मेरी पहली पहली ट्रिप थी वो थी जयपुर की रणथंभौर की। वहां पे एक अनुराग पैलेस के नाम से होटल है, जो कि आप होटल की फोटो देख रहे हो। इस होटल के अंदर जब गया, मैंने वो जिंदगी जी जो कि मैंने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी लाइफ कभी मेरे जीवन के अंदर आ भी सकती है। तो आप देख सकते हो ये होटल कैसा है, एकदम पूरा लग्जरी है। और इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो 3 रात और 4 दिन में रह के आया था, और सबसे अच्छी बात क्या थी कि इस अंदर जाने के लिए मेरा 1 रुपये भी खर्च नहीं हुआ था। अच्छी बात यह थी कि आज जो मेरी लाइफ थी यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ऐसे ऐसे होटल है जहाँ पे आप जाओगे तो वहां से आपका आने का भी मन नहीं करेगा कि यहाँ पे हम जाएं। तो मेरी पहली ट्रिप थी लुधियाना जयपुर की, जो कि अनुराग पैलेस होटल के अंदर है। इसके अंदर मैं 3 रात 4 दिन रह के आया था। इसके बाद की जो मेरी एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एक लंच वाली फोटो आप देख रहे होंगे, आप सभी लोगों को नजर आ रही होगी कि इस फोटो के अंदर आप देख रहे होंगे पानी की बोतल की बजाय यहाँ पे एक कांच की बोतल रखी गई है। तो मैं पहले कभी ऐसे होटल में गया नहीं था, और कभी भी जब मतलब कहने मतलब है हम ऐसी कहते ना, एक तो मिडिल क्लास होती है, एक उससे भी थर्ड क्लास होती है, तो हम सब ऐसी क्लास से बिलोंग करते थे कि ऐसे होटल क्या कभी ढाबा भी नहीं मेंटेन किया था सही तरीके से। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद ऐसे मतलब ढाबा तो साइड हट गया, एकदम समझ लो लग्जरी वाली लाइफ हमको मिलती चली गई। तो वहां पे जब मैं खाना खा रहा था, तो आप देख रहे हो बीच में एक पानी की बोतल रखी है, कांच की बोतल रखी हुई है।
तो मैं सोचता था पता नहीं यहाँ पे पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ पे मुझे लगता था कि बिस्की या दारू मिलेगी पीने के लिए खाने के साथ। लेकिन जब मेरे को बाद में पता चला कि इस बोतल के अंदर भी पानी ही रखी जाती है। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमने यहाँ पे इंजॉय किया, हमने देखा कि जिस काम को मैं कर रहा हूँ उस काम को करके ये जो जिंदगी है मेरे को कभी भी मिलने वाली नहीं है, ये जो लाइफ है मेरे को कभी भी नहीं मिलेगी अगर मैं वही काम करता रहूंगा। जैसा कि आप समझ सकते हो कि जो काम आप कर रहे हो और उस काम को करके जो आपको मिल रहा है वही मिलेगा, लेकिन अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो उसके लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और मेरी ये पहली ट्रिप है, इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट ट्रिप थी वो है रणथंभौर। जब हम गए थे वहां पे आप देख रहे हो वहां पे रणथंभौर का टाइगर रिजर्व है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो इस जंगल के अंदर जैसे हमारी गली गलियों के अंदर कुत्ते घूमते हैं, इस तरीके से वहां पे शेर घूमते हैं। और जो भी इंसान इन गाड़ियों पे रहेगा उनको ये शेर काटने वाला नहीं है, मतलब कुछ बोलने वाला नहीं है। तो मतलब वो सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी जो हमने कभी मतलब हमारे लाइफ का एक कहते हैं ना एडवेंचर बोल सकते हैं हम, कि ऐसा हमने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि ऐसी ऐसी जगह भी होती है और ऐसी ऐसी चीजें होती है। लेकिन वो चीजें हमको कहाँ से मिली, वो मिली हमको इस इंडस्ट्री से। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो इस इंडस्ट्री में जब हम किसी को प्लान बताते हैं किसी को इसके बारे में बताते हैं तो हम इन सारी चीजों के बारे में नहीं बताते, हम यहाँ पे सिर्फ लोगों को ये बताते हैं सर यहाँ पे काम करके आप अपने परिवार की गरीबी बदल सकते हो। लेकिन मैं उन सभी लोगों को यही बात बताना चाहूंगा इस बिजनेस को करके आप अपनी गरीबी के साथ साथ आप अपनी जिंदगी को और आप अपनी अच्छी लाइफ स्टाइल को भी बदल सकते हो, एक लग्जरी एज ए सेलिब्रिटी वाली लाइफ को आप यहाँ पे जी सकते हो। और मेरी नेक्स्ट ट्रिप मैं आपको बताऊं तो ये जो होटल है आप देख रहे हो इसका नाम ऊपर होटल के अंदर मेंशन है, इस होटल के अंदर ये ज्यादा दूर भी नहीं है, दिल्ली के अंदर है वैशाली के अंदर। इस होटल के अंदर भी मैं 3 रात और 4 दिन रह के आया हूँ। और इस होटल की भी ट्रिप जो बहुत अच्छी लग्जरी थी, बहुत मतलब बहुत ही इंजॉय किया इस होटल के अंदर जाके। तो जब मैंने ऐसे बड़े बड़े होटल के अंदर एंट्री की और जब यहाँ पे मैंने मीटिंग ट्रेनिंग को लिया, क्योंकि मैं कभी भी अपनी अपलायन के बात को कभी काटता नहीं था, अगर उन्होंने बोल दिया कि सूरज सर ये काम होना है तो होना ही है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। और यकीन मानो कि मेरी जिस भी कंपनी में या जिस भी अपलायन के साथ मैंने रहा, हमने अपनी अपलायन के साथ हमेशा तालमेल बना के रखा, उतार चढ़ाव आए जीवन के अंदर लेकिन हमने कभी अपने अपलायन को नहीं छोड़ा, हमने अपने कभी अपने ग्रेट मेंटर को नहीं छोड़ा। क्योंकि हमें पता था जीवन में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको तकलीफें जरूर आएंगी, हमको दिक्कतें बहुत जरूर आएंगी, कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती है जो हमको हजम भी नहीं होती है, लेकिन कुछ समय के लिए वो चीजें हमारे फायदे की होती है, हमको समझ में नहीं आती, लेकिन एक समय पे हमको बात समझ में आती है कि अगर उस समय हम रिएक्ट कर दिए होते या कुछ एक्शन ले लिए होते तो हमारा कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। तो हमने अपलायन की बातें मानी तो आज मेरी जो लाइफ है बहुत अच्छी तरीके से बदलती चली जा रही है। और मेरी तीसरी जो ट्रिप थी वो भी जयपुर की थी जो कि आप देख रहे हो होटल गोल्ड पैलेस का है। और इसका जो व्यू है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। और यहाँ पे जाने के बाद आप देख रहे हो मतलब ये पहाड़ों के बीच के अंदर होटल है। और यहाँ पे मतलब हमने भी मतलब बहुत ही इंजॉय किया। कहते ना मैं जैसे कि एक कहावत आप सभी लोगों को हमेशा बताता हूँ कि यहाँ की जो फीलिंग है ना उस फीलिंग के बारे में आप सभी लोगों को बयान नहीं कर सकता, कि जैसे कि कहा जाता है कि रसगुल्ले का स्वाद मीठा होता है सभी को पता है, लेकिन कितना मीठा होता है ये वही बताएगा जो इंसान रसगुल्ले को खाता है। तो ये जो जिंदगी मैंने जी है तो ये आप सभी लोग अगर आप सभी लोगों ने जिंदगी जी होगी इस लाइफ को जिया होगा तो आप सभी लोगों को पता होगा कि ऐसी लाइफ को जीने का कितना मजा आता है, क्या मूवमेंट होते हैं ऐसी जिंदगी को। और उसके बाद ये वहां की जैसा कि आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोगों के बीच में मन में सवाल भी आ सकता, हो सकता है सूरज सर अलग से ही फोटो निकाल के लगा दिए हो बताने के बारा। तो मैं आपको बता दूं इन सभी होटलों के अंदर जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ इन सभी होटलों के अंदर मैं घूम के आ चुका हूँ, रह के आ चुका हूँ, मतलब ऐसी जिंदगी को मैं जी चुका हूँ। और यही कारण है आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि मेरे को कोई भी हिला नहीं सकता, दुनिया की कोई भी ताकत, मैं आपको यूं बताऊं यहाँ तक कि मेरे माँ बाप भी और यहाँ तक कि मेरी वाइफ भी इस बिजनेस से मेरे को डीमोटिवेट नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो सपने हैं ये मेरे हैं। और इसको काम करने के लिए, इसके अंदर काम करने के लिए, इसके अंदर भागने के लिए मेरे को कभी भी कोई इंसान मोटिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो मेरे ड्रीम है मेरे सपने हैं और इनको मैं ही पूरा कर सकता हूँ। और अगर मेरे ड्रीम के लिए और मेरे सपनों के लिए अगर कोई मेरे को मोटिवेट कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो मेरे ड्रीम नहीं है, मेरे सपने नहीं है, और
बिल्कुल इसी तरीके से होता है कि अगर आपके सपने बड़े होंगे तो आपको काम करने के लिए कभी भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जयपुर के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पे हवा महल है, और मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी हवा महल है, जल महल है, इन सभी अच्छी अच्छी जगहों पे घूम के आना हुआ है। मतलब बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल, मतलब बहुत अच्छी जिंदगी जी है। और उसके बाद अगर मैं अगली ट्रिप के बारे में बात करूंगा, तो मेरी अगली ट्रिप थी जो थी वो थी आगरा के अंदर रेडिसन बिलो के अंदर। ये होटल आप देख रहे हो कितना शानदार है, कितना आलीशान है, वहाँ का स्विमिंग पूल कैसा है, वहाँ के रूम कैसे हैं और वहाँ पे खाने कैसे हैं। और जब मैं पहली बार गया था, कहते ना ऐसी जिंदगी हमने कभी नहीं जी थी। और कहते ना जब इंसान, कोई इंसान पहली बार, कहते ना हवाई जहाज की यात्रा जो इंसान कभी ना किया हो और उससे जब पहली यात्रा करेगा ना, तो उसकी फीलिंग ही अलग होती है। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा मेरे को इस होटल में जाके, यहाँ की लाइफ स्टाइल को देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। मेरे जो सपने थे, मेरे जो ड्रीम थे, वो इतने मजबूत होते चले गए जब इन चीजों को देखा। मेरी सोच बड़ी हुई, मेरे विजन बड़ा हुआ। क्योंकि कहते हैं ना कि जो इंसान कुएं की गहराई को जानता है तो समुन्द्र की गहराई का कभी अंदाजा नहीं लगा सकता। इसी तरीके से जो मैं पहले जिंदगी जी रहा था, मैं सोच रहा था कि मतलब इससे बड़ी कोई दुनिया नहीं है, लेकिन जब इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला, हमने देखा, हमने यहाँ पे काम किया और काम करने के बाद हमने देखा कि ऐसी ऐसी जिंदगी यहाँ पे हम सभी लोगों को मिल सकती है। और वाकई में दोस्त, यकीन मानो आपको इस इंडस्ट्री से बहुत कुछ मिलने वाला है। और ये तो कुछ भी नहीं, ये तो उस ट्रिप का नाम बता रहा हूँ जो ट्रिप मेरे को ध्यान है, जिस होटल का नाम मेरे को ध्यान है, जिस होटल के साथ मैंने पिक वगैरह ली थी, फोटो वगैरह ली थी, जिस होटल के बारे में मेरे को पता था। और ऐसी बहुत सारी ट्रिप है जिनके बारे में मेरे को नहीं पता है, क्योंकि 2014 से जर्नी चलती आ रही है। और 2014 से लेकर 2021 तक मेरा जो बेस है इतना मजबूत हो चुका है कि दुनिया की कोई भी ताकत इस बिजनेस से मेरे को कभी भी हिला नहीं सकती। और यही कारण है आज कीवा इंडस्ट्री के अंदर सफल होने का, कीवा इंडस्ट्री के अंदर काम करने का। तो दोस्तों, और अगर हम आगे बात करें इस होटल के अंदर, आपने इस होटल के बारे में जरूर सुना होगा, गुड़गावा के अंदर हयात होटल है। तो इस होटल के अंदर भी हमने ट्रिप की है, बहुत अच्छी लग्जरी ट्रिप की है। और इस होटल की जो ट्रिप थी वो भी 3 रात 4 दिन की थी, और बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही लग्जरी तरीके से इस होटल के अंदर मीटिंग, ट्रेनिंग का और यहाँ की चीजों को एंजॉय करना बहुत ही अच्छी तरीके से हमने एंजॉय किया। तो यकीन मानो दोस्तों, इस बिजनेस में अभी आपका काम चल रहा है नहीं चल रहा है मुझे नहीं पता, आपकी सोच कैसी है, लेकिन एक बार भरोसा करके, एक बार मेरी बातों को मान के इस बिजनेस को कर लेना। और करने के बाद जो जिंदगी आपको मिलेगी ना, उस जिंदगी के बारे में, उस चीज के बारे में कभी अपने अपलाइन का या कभी उस इंसान का जीवन में कभी भी आप कर्ज नहीं उतार पाओगे जो इंसान आपको इस इंडस्ट्री के अंदर लेके आया है। और अगर हम आगे बात करें तो मेरे ग्रेट अपलाइन यशपाल तोमर सर, बिक्की वालिया सर की बदौलत मेरे को इस होटल के अंदर भी जाने का मौका मिला, जो कि लुधियाना के अंदर है, रेड मैंगो के नाम से ये होटल है। और जब मैं लुधियाना कंपनी के मालिक डॉक्टर करण गोयल जी से मिलने गया था, तो इस होटल के अंदर मेरे को रहने का मौका मिला। और यहाँ की भी जर्नी बहुत ही दमदार, बहुत ही अच्छी थी। और लाइफ स्टाइल, कहते हैं ना 5-स्टार होटलों की जो जिंदगी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन के अंदर जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को भी इसके बारे में बताया, तो दोस्त ये तो कभी कभार की जिंदगी थी कि कभी हम जाते थे तो इंजॉय करते थे और वो चीजें कभी ना दिमाग से निकलती नहीं है। लेकिन मेरा जो सपना है, मेरा जो ड्रीम है, मेरा जो टारगेट है, वो यही टारगेट है मेरे। मैं अपने हर एक पल पल को ऐसी जिंदगी बनाना चाहता हूँ, इतनी खूबसूरत जिंदगी बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर दुख और तकलीफ नाम की कोई चीज नहीं होगी। और जो सुबह उठते, कहते ना, एकदम लग्जरी वाली जिंदगी होगी जिसके बारे में कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था, ऐसी जिंदगी की मैं कल्पना करता हूँ। और ऐसी ही जिंदगी आप सभी लोगों को मिलने वाली है। अगर जो चीजें मेरे को मिली हैं, जहाँ पे मैं ऐसी जगह से उठ के आया हूँ जहाँ पे मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी कोई चीजें हो सकती हैं मेरे साथ, तो दोस्त आप सभी लोग मेरे से कहीं ज्यादा काबिलियत वाले हो, मेरे से कहीं ज्यादा आप सभी लोग नॉलेज रखते हो। तो आप सभी लोग समझ सकते हो, अगर ये सारी चीजें मेरे साथ हो सकती हैं तो इससे कहीं ज्यादा अच्छी ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। तो दोस्त, जरूरत है सिर्फ भरोसा करने की
और काम करने की और मेहनत करने की, अगर आप इस तरीके से करते हो तो यकीन मानो जो आज आपको तकलीफें आ रही हैं वो तकलीफें आपकी खुशियों से बड़ी नहीं हो सकती हैं, वो तकलीफें आपकी अच्छी जिंदगी से बड़ी नहीं हो सकती हैं। तो दोस्तों ये जिंदगी है, आगे बढ़ती चली जा रही है, और अगर हम आगे देखेंगे तो आप देख रहे हो मतलब लाइफ बहुत अच्छी हो चुकी है। जहां पे एक कमरे का किराया सही तरीके से हम मेंटेन नहीं कर पाते थे, जहां पे हम एक एक कमरे के अंदर तीन तीन लोग रहते थे, चार चार लोग रहते थे, वहां पे ऐसी लाइफ स्टाइल, वहां पे ऐसी जिंदगी जिस इंसान को मिल जाए, कहते ना इसके लिए तो वही बात होती है कि मतलब वरदान वाली बात हो जाती है कि मतलब जिस चीज के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था वो सारी चीजें आज हमको इस इंडस्ट्री से मिल रही है। कारण क्या है इसका कि इस चीज की जिम्मेदारी लेके काम करना, इस चीज को सारी चीजों को जिस तरीके से हम अपने परिवार के अंदर, अपने और भी काम के अंदर अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी तरीके से निभाते हैं, उसी तरीके से अगर इस इंडस्ट्री के अंदर भी अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप काम करते हो, अगर आप अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी पूरी टीम को लेके चलते हो, तो यकीन मानो आपको वो सारी चीजें मिलने वाली हैं। और आज आप देख रहे हो मेरी जिंदगी दिन के दिन बदलती चली जा रही है, और इस चीज का जितना भी शुक्र गुजार, जितना भी मैं बोलूँ ना, कितना भी मैं कुछ भी करूँ अपने जीवन के अंदर, तो कभी भी मैं अपने अपलाइन का, मैं अपने मेंटर का और मेरे ग्रेट अपलाइन, जो भी मेरे अपलाइन है, उनका मैं कभी भी अपने जीवन के अंदर कभी भी कर्ज नहीं उतार सकता हूँ, और ये कर्ज दिन के दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे अपलाइन ने मेरे जीवन के अंदर किया, जो कि मेरा जीवन एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से बदलता चला जा रहा है, और कहते हैं ना एक सपनों वाली जिंदगी बदलती चली जा रही है। तो दोस्तों बिल्कुल ये सब जो कुछ मिला है मेरे ग्रेट अपलाइन यशपाल तोमर सर की बदौलत, बीकी वालिया सर की बदौलत, और इन्हीं दोनों की बदौलत ये सब कुछ मिलता चला जा रहा, और जीवन में जो कुछ भी बनूंगा, जो भी कुछ बनूंगा इनका ही आभार होगा, इनकी वजह से ही बनूंगा। तो दोस्त मैं आप सभी लोगों को यही बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप अपने माँ बाप की बातों को मानते हो, अपने माँ बाप की बातों को फॉलो करते हो, उसी तरीके से आप अपनी मेंटर की बातों को मान लेना, क्योंकि आपका जो मेंटर है, आपका जो अपलाइन है, कभी भी आपके बारे में सपने में भी गलत नहीं बोल सकता। तो इस चीज का भरोसा रखें, इस चीज का पूरा मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप बिल्कुल जो भी आपका अपलाइन बोले उसे आंख बंद करके भरोसा करके उसमें काम करना, और अगर आपने कर लिया तो आपकी जिंदगी 3 से 4 साल के अंदर ऐसे बदल जाएगी जैसे कि कहते हैं ना दूध उबालने से जैसे मलाई बाहर आ जाती है, इसी तरीके से आपकी जिंदगी 3 से 4 साल के अंदर एकदम गरीबी से एकदम अमीरी वाली लाइफ स्टाइल आपकी बदल जाएगी। और आप देख रहे हो आगे अगर हम बात करें तो आज बहुत अच्छी जिंदगी हो चुकी है हमारे ग्रेट अपलाइन यशपाल तोमर सर के लिए। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग अगेन जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि आज जो कुछ भी मैं बोल पा रहा हूँ या जो भी कुछ मेरे को मिल रहा है वो मेरे ग्रेट अपलाइन यशपाल तोमर सर की बदौलत ही है। और इस कंपनी के माध्यम से सर के पास आए तो डॉक्टर करण गोयल जी से मिलने का मौका मिला। डॉक्टर करण गोयल जी से जब मिले तो वाकई में दोस्त मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि सर की इतनी विजनरी सोच है कि आज तक मैं अपने जीवन के अंदर ऐसे ऐसे लोगों से मिला था जिनके अंदर मतलब 1000 कमाने वाले, 10,000 कमाने वाले, 20,000 कमाने वाले लोगों से मिला था। कभी मैं ऐसे लोगों मतलब करोड़पति लोगों से कभी मैं अपने जीवन के अंदर कभी भी नहीं मिला था, लेकिन डॉक्टर करण गोयल जी से मिलने का मौका मिला, उनसे हाथ मिलाने का मौका मिला, तो लगा कि यार वाकई में जिंदगी बदल सकती है। और डॉक्टर करण गोयल जी ने एक ही बात बोला मेरे को कि सर भरोसा करके टिके रहना, और जैसा आपके अपलाइन यशपाल तोमर सर, बिकी वालिया सर बोलते हैं वैसा कर लेना, आपकी जिंदगी आप जैसी भी है लेकिन आज से 5 साल के बाद आपकी जिंदगी एकदम हीरे की तरह बदल जाएगी। और यही बात मान के हमारे डॉक्टर करण गोयल जी की, हमारे यशपाल तोमर सर की यही बात मान के आज गुरुजी कुछ भी बोल दें, कहते ना जिस तरीके से एक फुटबॉल होता है ना कि गुरुजी कहीं भी मारेंगे तो गोल करके ही आएंगे, लौट के खाली नहीं आएंगे, और इसी तरीके से आज गुरुजी अगर कुछ भी आदेश कर दें तो वो समझ लो पूरा होना ही होना है, दुनिया की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती, क्योंकि ये जो जीवन है ये गुरुजी का ही है। तो दोस्तों तो आगे अगर हम बात करेंगे मीटिंग की, ट्रेनिंग की बात करेंगे, तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा ये सारी जिंदगी आपको मिल सकती है और ये सारी लाइफ स्टाइल आपको मिल सकती है और इससे ज्यादा मिलेगी, ये नहीं ये तो बहुत कम है,
ये तो समझ लो अभी मैंने कुछ किया ही नहीं जीवन के अंदर, अभी तो हमको ऐसी जिंदगी मिलने वाली है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो दोस्त लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेली उठ के आपको दिल से कीवा को अपनाना पड़ेगा। और जब दिल से आप किसी भी काम को करोगे तो आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी, कभी भी किसी भी काम को करने में कोई प्रेशर नहीं होगा आपको। और दिल से जब चीजें कोई कनेक्ट हो जाती है ना तो उनको करने में बहुत ही मजा आता है, कभी थकान नहीं होती, कभी रात दिन का पता नहीं चलता है। तो मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, और बिल्कुल अगर आप कीवा के अंदर सफल होना चाहते हो, अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप अपना करियर देख रहे हो, देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं हमारे साथ, बहुत तेजी से लोग आते हैं लेकिन बहुत तेजी से लोग जाते भी हैं। सफल वही होते हैं क्योंकि सबसे कठिन काम है यहाँ पे टिकना और मीटिंग ट्रेनिंग को लेना। और अगर आपने मीटिंग ट्रेनिंग को लिया और दिल से कीवा को अपनाया तो आपका जो जीवन है एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से बदलने वाला है। और आगे अगर हम बात करें तो आज आप जहां पर भी हो मायने नहीं रखता, क्योंकि अभी हाल ही में मैं एक लीडर से मिला था और उन्होंने मेरे को, बल्कि हमारी क्रॉस लाइन है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने सर ने मेरे को बहुत अच्छी बात बताई कि सूरज सर मायने ही नहीं रखता आज आप कहाँ पे खड़े हो, क्या इनकम आ रही मुझे नहीं पता आपकी, लेकिन आज से 5 साल के बाद आपकी जो जिंदगी होगी ना वो बहुत अच्छी होगी क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो बिल्कुल नजर आती है, कहीं ना कहीं आप दिखाई देते हो। तो ये जो मेहनत है हमेशा बरकरार रखना और अपने अंदर कभी भी घमंड और कभी गुरूर नाम की कोई चीज आने मत देना। और अगर इन दोनों चीजों को आपने संभाल के रख लिया तो आने वाले 5 साल के अंदर आपके पास एक अच्छी गाड़ी भी होगी, जो कि जिस तरीके की गाड़ी की आप कल्पना करते हो, एक अच्छा घर होगा लग्जरी जैसा कि हमारा ड्रीम होता है, सपनों का घर होगा, और बैंक बैलेंस होगा, और इतना बैंक बैलेंस होगा कि उसको खर्च करते करते हम थक जाएंगे लेकिन वो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। और पूरी दुनिया में पहचान होगी आज डॉक्टर किरण गोयल जी की वजह से पूरी दुनिया के अंदर। आज दोस्तों आज कीवा में काम करके मैं आपको बताऊं कि दिल्ली NCR के अंदर बहुत ही अच्छा नाम बनता चला जा रहा आज हमारी प्यारी सी टीम का। मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूं अपनी प्यारी सी टीम का, मेरे ग्रेट अपलाइन इस्पाल तोमर सर का, क्योंकि आज मैं अपने जीवन के अंदर जो भी कुछ बनूंगा इन्हीं दोनों की बदौलत ही बनूंगा, क्योंकि अगर मेरा एक अच्छा अपलाइन है तो मेरी एक अच्छी डाउनलाइन भी है, और इन दोनों की वजह से ही मैं अपने जीवन के अंदर बहुत अच्छा बना सकता हूँ। अगर मैं सोचूं कि इसके अंदर मेरा कुछ भी है तो मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, अगर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो मेरी प्यारी डाउनलाइन का और मेरे ग्रेट यशपाल तोमर सर का, विकी वालिया सर का, और हमारे ग्रेट जो इस कंपनी के मालिक हैं डॉक्टर करण गोयल जी का। तो दोस्तों कीवा में काम करो, आपकी पूरी दुनिया में पहचान बन जाएगी, कीवा आपको खुद फेमस कर देगी। आप काम करने की गारंटी लो और पहचान बनाने की गारंटी कीवा आपको खुद दे देगी, और एक ब्रांड बन जाओगे। आज कीवा के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो ब्रांड के नाम से फेमस होने जा रही है। अभी रिसेंटली कीवा 1000 के साथ मार्केट के अंदर और भी उतरने वाली है, और बहुत ही ब्रांड के रूप के अंदर। अभी आपने देखा हमारे सिल्वर प्लस प्रोडक्ट, मतलब इतने माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट हैं जिन प्रोडक्ट के ऊपर काम करके आप लोगों की बीमारियों को भी, मतलब लोगों की गरीबी को भी दूर कर सकते हो और उनकी बीमारी को भी दूर कर सकते हो। तो दोस्त अगर आपके इस तरीके के सपने हैं, एक अच्छी गाड़ी का सपना है, एक अच्छे घर का सपना है, बैंक बैलेंस का सपना है, पूरी दुनिया के अंदर अगर पहचान बनाना चाहते हो, एक ब्रांड बनना चाहते हो, तो अगर इस तरीके के आपके सपने हैं और अच्छी जिंदगी अगर आप चाहते हो तो कीवा के अंदर मुझे नहीं लगता कि आपको डेली मोटिवेट करने की जरूरत पड़ेगी, डेली आपको फोन करने की जरूरत पड़ेगी। और जिस दिन आपके सपने जग गए ना, यकीन मानो उस दिन आपको फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस दिन आप खुद फोन करना स्टार्ट कर दोगे। और आगे अगर हम बात करें कि जितना बड़ा, कहते ना जितना बड़ा हमारा सपना होगा उतना बड़ा संघर्ष भी होगा। कहते हैं जितनी बड़ी चीज चाहिए, फोन 500 का भी आता है, 5000 का भी आता है, और 5 लाख का भी आता है, लेकिन हर चीज की हमको कीमत चुकानी पड़ती है। आज मार्केट में 10,000 रुपए कमाने के लिए, 8,000 रुपए कमाने के लिए 8 घंटा नौकरी करनी पड़ती है, 8 घंटा कीमत चुकाना पड़ता है पूरे 30 दिन तक, तब जाके हमको 8 से 10 हजार, 15,000, 20,000, 25,000 रुपए मिलता है। और सोचो दोस्त, हम तो यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए की बात कर रहे हैं, जीवन को बदलने वाली बात कर रहे हैं, तो ये कोई तुक्का थोड़ी कि ऐसे ही हो जाएगा। इसके लिए आपको मार्केट के अंदर निकलना पड़ेगा, और जब आप मार्केट में निकलोगे तो लोग बाग आपको सीधा पहले रिजेक्ट करेंगे, हर जगह से आपको रिजेक्शन आएगी,
पहले आपके दोस्त आपको रिजेक्ट करेंगे जिन पे आपको सबसे ज्यादा भरोसा होता है, उसके बाद आपके घर वाले आपको रिजेक्ट करेंगे, कौन सा काम कर लिया, ये तो वो काम है जिसके पास कोई काम नहीं होता वो ये वाला काम कर लेता है, तो उसके बाद आपके अड़ोसी पड़ोसी करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। अगर इन सारी रिजेक्शनों से, इन सारी दिक्कतों से अगर आप बाहर निकलते हो तो आपको ये अच्छी जिंदगी मिल सकती है। और अगर हम आगे बात करें, कहते हैं कि जो डर गया वो मर गया, अगर इस रिजेक्शन से अगर आप डर गए तो आप अपने जीवन के अंदर कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, कभी आपके सपने बड़े नहीं होंगे, जो आपके सपने हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे। तो दोस्त कभी डरना नहीं जीवन के अंदर, क्योंकि अगर आप डरोगे तो लोग आपको डराएंगे, लेकिन अगर आप अपनी जिद पे अड़ जाओगे और अपने काम पे अड़के अगर काम करना स्टार्ट कर दोगे तो यकीन मानो। माइक किसको खुला है? बिना मैम, अच्छा सॉरी, देख रही हूँ तो देख रही हूँ। तो दोस्तों बिल्कुल हो गया सर। हाँ ओके मैम। तो दोस्तों बिल्कुल हमें डरना नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान आप मार्केट में निकलो अगर आप उससे एक बार डर गए तो लोग डराने लग जाते हैं। तो आपको जीवन में कभी सिर्फ गलत काम को करते वक्त ही डरना है आपको, पहले तो गलत काम करना नहीं है, लेकिन अगर करो तो आपको डरना है। लेकिन अगर आप सही तरीके से एकदम सही हो, पहले जिस काम को कर रहे हो उस काम को सही तरीके से चेक कर लो, अगर वो काम प्रॉपर तरीके से सही है तो आप उस काम को बताने में कभी डरो मत, कभी हिचको मत, क्योंकि उस पे आपको आपके भरोसे के ऊपर ही सामने वाला इंसान आपके साथ जुड़ने वाला है। और अगर हम आगे बात करें तो पूरी दुनिया आपको रिजेक्ट करती है, कहाँ नहीं रिजेक्शन मिलता आपको, नौकरी में जाते हो तो मालिक रिजेक्ट करता है आपको, कहीं पर भी आज शादी के लिए जाओगे तो वहां पे लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, हर जगह पूरी दुनिया आपको 98% लोग आपको यहाँ पे रिजेक्ट ही करते हैं। लेकिन उस रिजेक्शन से हम नहीं डरते, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के रिजेक्शन से हम डर जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो हमको यहाँ से भी नहीं डरना है, अगर हम यहाँ से नहीं डरे ना तो समझ लो दुनिया के वो सारी चीजें हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं। आप जैसा कि देख रहे हो हर जगह, अगर हम जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर हम सीख लेते हैं हैंडल करना, अगर हम सीख लेते हैं हैंडल करना, तो आप 98% लॉस को प्रॉफिट में बदल सकते हो। लोग तो आपको मना करेंगे, लोग तो आपको ना बोलेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, लेकिन उन सभी चीजों को अगर आप डील करना सीख लेते हो, अगर उस लॉस को आप प्रॉफिट में अगर बदलना सीख लेते हो, तो समझ लो 98% आप अपने लॉस को प्रॉफिट के अंदर बदल सकते हो। और हमारे बिजनेस में